दो तीन दिन से जो चल रहा था मीडिया में ड्रामा, और भाजपा में हमारा कुछ कन्वीनर चले गए थे तो मेरे पर भी ऑफर थी, इसलिए मैंने वो प्रत्यक्ष निहारने के लिए वरुण के साथ में गया और देखा कभी क्या है क्या नहीं, और मुझे 1 करोड़ की ऑफर दी। आज 10 लाख रुपया मुझे रोकड़ा दे दिया, और कल जो भाजपा का प्रोग्राम है इसमें स्टेज ऊपर मैं आऊँ, उसके बाद दूसरा पैसा कल देने का उसके वायदा किया है। इसलिए मैं समाज को कहता हूँ कि ये पैसा मुझे चाहिए नहीं, मैं पैसे से खरीद सकता नहीं हूँ, खरीदता भी नहीं हूँ, मैं फक्त समाज के लिए ही आंदोलन में आया हूँ। मैं कोई राजकीय अपेक्षा का आकांक्षा के लिए नहीं आया, मैं मेहसाणा का ओरिजिनल पाटीदार हूँ, पाटीदार समाज के लिए आया, समाज जो कहेगा वो करूँगा। वो जो 10 लाख रुपया मुझे दिया है वो कोई मेहनत का पैसा नहीं है उसका, वो भी भ्रष्टाचार का पैसा है। मैं मेरा मेहसाणा का शहीदों में वो वापस दे दूंगा, बांट दूंगा। किसने आपका संपर्क किया था, कैसे? वरुण पटेल ने संपर्क किया था। पहले सुबह में मुझे उसका घर पे बुलाया और उसके साथ जाके मुझे गांधीनगर ले गया, जीतू वाघाणी के घर पे, वहां से मुझे कमलम में ले गया और वहां मेरे पास प्रेस करवाई। जहां मीटिंग हुई वहां किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई थी, और आपको पैसे किसके हाथों से मिले? पैसे वरुण पटेल के हाथ से मिला। मीटिंग में क्या मुद्दों की चर्चा हुई? मीटिंग में ऐसा मुद्दे की चर्चा हुई कि आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, आप 10 लाख रख दो, 90 लाख कल भाजपा का प्रोग्राम में आपको आने का जाहिर में आओ, उसके बाद मिल जाएगा, और कल से आपको भाजपा का काम करने का दूसरा डील, आपको अब कैसा काम करते हैं उसके बाद आप दूसरा विचार मिलेगा।